प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सैम्पल प्रोग्राम्स देखे थे, सीखे सिंपल से थे वो। आज थोड़ा सा इफ एल्स का प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें नेस्टेड इफ एल्स या कंडीशन कैसे लगाते हैं, एल्स कहाँ लिखते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ये प्रोग्राम का एम लिखा हुआ है, मैंने राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स अमंग देम। और फिर नीचे मेंशन भी किया है कि ये नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा इफ और एल्स का यूज, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो ये हमारी दोनों हेडर फाइल्स कॉर्नियो और एसटीडीआईओ। उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकालना था, तो होल नंबर्स को इंटीजर लेके हम ग्रेटेस्ट निकालेंगे। फिर हमारा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, उसके बाद जो भी हम प्रिंट एफ में लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, और जो भी वैल्यूज़ में इनपुट देनी रहती है उसको हम स्कैन एफ के अंदर लिखते हैं। और क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया था इसलिए 3 बार परसेंट डी लिया है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ में हमको कंपेयर करना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। अब यहाँ से मेन चालू हो रहा है आपका कंडीशन चेकिंग। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करके अगेन चेक कर रहे हैं कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो सबसे पहले ए के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए दोनों से बड़ा है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि ए इज़ ग्रेटेस्ट, नहीं तो हम प्रिंट कराएंगे कि सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर 2 बार इफ हमने एक साथ लिया है ब्रैकेट खोल के, इस इफ का सब ब्रैकेट खोल के फिर इस इफ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये वाली कंडीशन 2 रहती है, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी और इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वो प्रिंट करेगा परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट, तो वो क्या है ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, नहीं तो वो प्रिंट करेगा एल्स में जाके। एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स पार्ट वही पार्ट रहता है, जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स पार्ट में जाके एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के अंदर आएगा परसेंट डी सी इज ग्रेटेस्ट। फिर से एल्स लगाया, पहली बार तो ए के लिए चेक किया, अब बी के लिए चेक करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है। तो उसके लिए फिर अगेन इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी। तो अगर कंडीशन 2 रहेगी तो प्रिंट कराएंगे कि परसेंट डी बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स फिर से प्रिंट कराएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में कौन ग्रेटेस्ट होगा सी। इसमें हमने लगातार इफ एल्स का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ये वाले इफ का ये एल्स है, और ये जो सेकेंड वाला सब इफ लिखा हुआ उसका एल्स ये वाला है, और ये जो थर्ड इफ लिखा हुआ उसका एल्स नीचे वाला है। तो जब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं तो हमको नंबर ऑफ टाइम्स इफ और एल्स को मैच करना पड़ता है, उनके कर्ली ब्रेसेस को मैच करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एरर आएगा, इसलिए एल्स इफ का यूज़ ज़्यादा नहीं करके, इफ एल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करके एल्स इफ लैडर का यूज़ हम लोग करते हैं, क्योंकि इफ एल्स में हमको बार बार उसमें मैच करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंपाइल करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, ऑल्ट प्लस F9, सक्सेस है हमारा प्रोग्राम, तो रन करा लेते हैं। ये आगे हमारे आउटपुट स्क्रीन, 3 वैल्यूज एंटर कराना है, 3, 5 एंड 9, तो वो लिखा है 9 इज ग्रेटेस्ट। फिर से रन करा के देखते हैं, जिसमें हम दूसरे नंबर को रन ग्रेटेस्ट बताएंगे। फिर से दिखा दिया कि 8 इज ग्रेटेस्ट। तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही बना है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल था, जो अक्सर एग्जाम में भी आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम। तो सिंपल, आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इफ के अंदर कंडीशन लिखनी है, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए, और उनके एल्स पार्ट बनाने हैं, तो फिर आपका प्रोग्राम ईजिली रन हो जाएगा। इसके बाद हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो है फैक्टोरियल का।
इतनी फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने कि डेवलप अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं पहले वो समझ लेते हैं। जब हम कभी लिखते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो मैथमेटिक्स में उसको ऐसे लिखते हैं कि 5 फैक्टोरियल, इसके बाद क्या होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आपको फैक्टोरियल निकालना रहता है किसी भी नंबर का तो उसके पीछे के सारे नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है और जो आउटपुट हमको मिलता है वो फैक्टोरियल होता है। तो मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं कि 5 × 4 × 3 × 1, लेकिन यहाँ सी में अगर इसका प्रोग्राम बनाना है तो आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। बिना लूप के फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह पर आपको बार बार आना है, एक ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हमने ये जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो फॉर लूप से बनाया है। तो सबसे पहले हमारी एडा फाइल्स void main, उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं i, n और fact is equals to 1। अब fact की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दिए हैं पहले से, क्योंकि हमको 0 नहीं चाहिए, गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए आउटपुट में। तो लास्ट जो नंबर मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल में वो 1 होता है, इसलिए उसकी वैल्यू हमने पहले से इनिशियलाइज कर दी है 1, ताकि फैक्ट के अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू ना रहे। i हमने लूप चलाने के लिए लिया है और n हम नंबर एंटर करेंगे जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एंटर एनी नंबर या एंटर द नंबर। आप कोई भी नंबर एंटर करिए, जो नंबर एंटर कराने के लिए scanf में %d और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर n, जिसमें भी इनपुट देना रहता है उसी को हम scanf के अंदर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से लूप चलेगा, जैसे अगर 5 की वैल्यू डाली है आपने तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज है, फिर कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन 2 रहेगी तो नीचे आएगा और यहाँ पे करेगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। तो पहले फैक्ट की वैल्यू 1 है तो 1 × 1, i की वैल्यू भी 1 है, तो अभी फैक्ट में क्या स्टोर है 1। फिर जाएगा वो इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2, और फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन 5 और नॉट। कंडीशन 2 है तो वापस नीचे आएगा और एग्जीक्यूट करेगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट एस्ट्रिक आई। तो फैक्ट की वैल्यू पहले 1 थी और आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो 2 × 1 आएगा 2। तो फैक्ट की वैल्यू हो गई है अब 2। उसके बाद आई की वैल्यू करेगा वो 3, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 × 3 करेगा 6 आएगा, फिर आई की वैल्यू करेगा वो 4, फिर 4 × 6 करेगा तो 24 आएगा, फिर i की वैल्यू करेगा वो 5, और फिर फाइनली वो 24 × 5 करेगा तो हमको मिलेगा 120। फिर जब वो i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 6 कर देगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो लूप से बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज %d और हमने फैक्ट को प्रिंट कराया है। इसका आउटपुट निकाल के देख लेते हैं, पहले कंपाइल करेंगे, सक्सेस है हमारा प्रोग्राम। 5 ही दे देती हूँ इनपुट में, तो आ गया प्रिंट की फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120। और भी किसी नंबर का निकाल के देख लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 50407 एंटर कराया था। अब यहाँ पर -30336 क्यों ले रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जब बड़ी वैल्यूज़ की वो फैक्टोरियल निकालेगा तो इंटीजर का जो रेंज है वो है हमारा -32767 तक, तो आपको फैक्ट को जो है वो लॉन्ग इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा,
परसेंट एलईडी लॉन्ग इन के लिए। ये देखिए अब सही आ गई वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 362880 और जो नॉर्मल इंटीजर की रेंज होती है वो -32767 से +32767 में रहती है, जो कि नॉर्मल इंट की रेंज से बाहर आ गया था तो वो गार्बेज वैल्यू दिखा रहा था। तो आप उसको लॉन्ग इंट डिक्लेयर करके ठीक कर सकते हैं। और फॉर लूप के प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।